आज हम स्पाइडरमैन ड्रॉ करेंगे। ये शेडिंग वाला पार्ट है, पार्ट वन। आउटलाइन वाला मेरा अपलोड है, देख लो। इसमें मैं ब्रूस्टर की 10B पेंसिल और HB पेंसिल और 4B पेंसिल और एक ब्रश ब्लेंडिंग के लिए और फिर निवेल इरेजर और पुशअप इरेजर और मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। अब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट आई ड्रॉ करूँगा। इसमें मैं ब्रशों की 10B पेंसिल से साइड कॉर्नर पहले 4B किया, अब HB से बीच में। इसमें मैं आधा फेस ड्रॉ कर लूँगा, बाकी का अगली वीडियो में करेंगे। मैं नीडेबल इरेजर हाइलाइट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं पुशअप इरेजर मैकेनिकल लेंस, इसमें जब मैं ड्रॉ करेंगे तो इसमें जो आउटलाइन है स्पाइडरमैन की वो भी फिटाना होगी। मैं सेकेंड आई भी ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे ही। अब मैं पुशअप ग्रेनेड वाल पुशअप, अब 10B पेंसिल से और डार्क। अब मैं फोटो के मुताबिक और थोड़ा डार्क है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा लाइट हो रहा है। अब पुशअप इरेजर से करते हैं, फिर किनेबल इरेजर। अब सेकेंड आई भी कंप्लीट हो ही गई होगी। अब जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करेंगे, जो और जैसे वेब्स बने हुए हैं फोटो के मुताबिक। बीच में जो था वो उसे भी अच्छे से बना लेना है। अब जैसे जो आउटलाइन ऐसे बनी है वो ड्रॉ करना, काफ़ी सिंपल है। अब मैं HB पेंसिल से शेड कर रहा हूँ। अब मैं 10B भी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ एकदम डार्क है। और अब ऊपर के भी आउटलाइन, अब साइड से इसमें बस आधा ही करेंगे। किनेबल इरेजर भी साइड साइड जो वेब ऐसे बना हुआ है उस पर भी थोड़ा शेड करना है। अब इतना ड्रॉ हो गया। अब ऊपर से जो जो वेब बना है वो सब भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब भी ड्रॉ हो गया है। अब इधर से भी, अब HB पेंसिल से शेड कर रहा हूँ जो बाकी है HB। अब 2 HB से ही है, फिर उसको ब्लेंड कर देते हैं। अब थोड़ा 10B यूज़ कर रहा हूँ और डार्क करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब प्लीज़ सब्सक्राइब।